हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं अभी अपने एक और नए वीडियो के साथ, चलिए तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ करेंगे। पहले तो हम आपको लैक्टोमीटर होता है, जो दूध नापने की मशीन होती है, इससे होता क्या है, हम दूध की डेंसिटी नापते हैं कि दूध के अंदर कितना मिलावट है और दूध कितना प्योर है, कितना गाढ़ा है, उसका आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। ये हमारा लैक्टोमीटर, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं और आपको बहुत सस्ता मिलेगा और कैश ऑन डिलीवरी आपका ऑप्शन अवेलेबल है। ये है लैक्टोमीटर, जैसा कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसमें आपको रीडिंग दी होती है, देखिए या देखा आपको 40, 30, 20, 10 और 0। अगर आपका ये 30 से ऊपर है, इसका मतलब आपका दूध बहुत गाढ़ा है। लेकिन अगर आपका 30 से नीचे है तो आपका दूध प्योर नहीं है, मतलब वो पतला है। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरे पास एक कप में है ये दूध। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि दूध जो प्योर दूध होता है, जो भैंस दूध देती है, उसकी रीडिंग कितनी आती है। देखिए, ये मैंने दूध लिया और ये लैक्टोमीटर के साथ ही आई थी कंटेनर। इसका है 100 ml, आप देख सकते हैं 100 ml। तो मैं इसमें दूध डाल देता हूँ। ये पूरा 100 ml दूध है, मैंने इसमें ये डाल दिया कंटेनर। अब मैं ये लैक्टोमीटर इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग 30 से ऊपर है, मतलब इसमें गाढ़ापन ज़्यादा है। ये प्योर दूध है, आप देख सकते हैं ये प्योर दूध है, इसकी रीडिंग 30 से ऊपर है, जो रेड लाइन इसमें दे रखी है उससे ऊपर है। अब हम एक काम करते हैं, इस दूध के अंदर थोड़ा पानी मिला देते हैं और पानी मिलाने के बाद इसकी रीडिंग क्या होती है वो हम जानते हैं। चलिए तो देखते हैं। ये मैंने लिया, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे 50 ml कम कर देता हूँ। अब इसके अंदर 60 ml दूध है, मैं इसमें बाकी का पानी मिला देता हूँ। 40 ml पानी है, ये है पानी प्योर, इसे मिला देते हैं। ये अब इसके अंदर मिलावट वाला दूध, जो आमतौर पर दूध वाले देखते हैं, उसकी रीडिंग क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही हमारा लैक्टोमीटर, इसमें हमने डाल दिया। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग 10 आ रही है, 10 रीडिंग आ रही है, जिसकी डेंसिटी होनी चाहिए 30, उससे बहुत कम आ रही है, मतलब इसकी डेंसिटी 10 आ रही है। यह है मिलावट वाला दूध। तो अगर आपको अपने घर पर, अगर आपको अपने घर पे दूध का अगर टेस्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमीटर मंगा कर। यह था इलेक्ट्रोमीटर का टेस्ट। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि जो पानी होता है, पानी की डेंसिटी क्या होती है। ये हमारा पानी है, अब हम इसकी डेंसिटी चेक करते हैं। पानी की डेंसिटी है 0। जी हाँ, पानी जो होता है उसकी डेंसिटी इसमें 0 आ रही है। यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी